है हमारा ये जो पार्ट आप पीछे मैंने लिखा हुआ है IBM स्किल बिल्ड, ठीक है। हमने आज की वर्कशॉप का टाइटल भी यही रखा है कि हम IBM के प्लेटफॉर्म के ऊपर किस तरीके से स्किल बिल्ड की ट्रेनिंग्स को आप लोगों को तक पहुंचाएं और कैसे स्टूडेंट IBM स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने आप को स्किल्ड कर सकता है। देखिए CSC अकेडमी, युवा जागृति संस्थान और IBM, इन तीनों का पूरे संपूर्ण भारत में 4 लाख लोगों तक स्किल्ड जो स्किल डेवलपमेंट की जो ट्रेनिंग है, कहने का मतलब कि IBM स्किल बिल्ड पूरे भारत में 4 लाख लोगों को स्किल्ड की ट्रेनिंग प्रदान करेगा जो IBM स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म के माध्यम से, वो भी ऑनलाइन। 7,500 प्रकार के इसमें कोर्सेज हैं, संपूर्ण भारत में 6,000 CSE अकेडमीज हैं, उनके माध्यम से ये कोर्स पूरे भारत में चलाया जा रहा है। हमारा युवा जागृति संस्थान अलवर में है और हम चाह रहे हैं कि अलवर में सबसे ज्यादा लोगों तक इस योजना को पहुंचाया जाए, इस मुहिम को पहुंचाया जाए, इसलिए हमने आज ये जिला स्तर पर अलग अलग लोकेशन से लोगों के साथ ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है, जिसमें आप लोग अलग अलग ब्लॉक से VLEs, CSE सेंटर चलाने वाले, अकेडमी चलाने वाले या फिर RKCL के सेंटर चलाने वाले लोग जो एजुकेशन में डिजिटली अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रखते हैं, वो सब लोग आप लोग यहाँ पर आए हैं। तो मैं ये वाला बिजनेस आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें अगर आप लोगों ने थोड़ी सी रुचि रख ली, क्योंकि आपके पास स्टूडेंट डिजिटल लिटरेसी के लिए आ रहा है, चाहे वो PMG दिशा करने के लिए आए, चाहे वो RKCL का RSCIT कोर्स करने के लिए आए, या वो टाइपिंग सीखने के लिए आ रहा है, या कोई और कोर्स करने के लिए आ रहा है, आपके पास कंप्यूटर भी है, आपके पास IT का टीचर भी है, आपके पास कनेक्टिविटी भी है, आप अपने उन बच्चों को मोबिलाइज करो कि जो बच्चा अपने पैरों पे भविष्य में स्किल्ड सीखकर स्किल डेवलपमेंट की जो IBM स्किल बिल्ड की जो डिजिटल टेक्नोलॉजी से जो ट्रेनिंग्स हैं उनको सीखकर वो अपने पैरों पे खड़ा हो और वो आगे बढ़ पाए। उसके लिए आपको करना कितना सा क्या है, स्टूडेंट के पास उसकी उम्र जो है वो मिनिमम 18 साल पूरा कर चुका हो वो, और स्मार्टफोन चलाना जानता हो, उसके पास जीमेल की ईमेल आईडी हो, ये सिंपल सी एक रिक्वायर्ड है जो इन्फॉर्मेशन हमें जरूरी है। आप लोग उसका एक इन्फॉर्मेशन स्किल बिल्ड का जो प्लेटफॉर्म है CSE अकेडमी के माध्यम से, आप उसके थ्रू अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट कर देंगे। जैसे स्टूडेंट का एडमिशन करेंगे 24 से 48 घंटे में स्टूडेंट की जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर वेलकम मेल चला जाएगा, ठीक है। जो बच्चा है उस वेलकम मेल के लिंक पे क्लिक करके और अपनी लर्निंग स्टार्ट कर सकता है। आप लोग उसको एक क्रिएटिविटी के रूप में ले सकते हैं, आपके पास CSE अकेडमी है, 5 से 10 कंप्यूटर, कई तो ऐसे सेंटर है जिसके पास 100 से 50 कंप्यूटर का IT लैब है, पर डे 200 से 300 बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उन बच्चों को मोटिवेट करो। आने वाली जो भविष्य की स्किल्स हैं, रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, क्लोनिंग है, इसके डाटा साइंस है, या फिर क्वांटम टेक्नोलॉजी है, ऐसी टेक्नोलॉजी जो भविष्य में बदलने वाला है पूरा का पूरा विश्व इन टेक्नोलॉजीज की वजह से, तो हम अपने गाँव के बच्चों को इस तरह का इनोवेटिव इन्फॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म के थ्रू दे सकते हैं, वो भी फ्री, कोई पैसा आपको उनसे पे नहीं करना। जो सेंटर अकेडमी चलाता है उन बच्चों के लिए वीकली या फिर ऐसा कोई कुछ घंटों के लिए एक सेशन ऑर्गेनाइज कर सकते हो। जो बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं उन बच्चों को आप बुलाओ, उनके साथ में IBM स्किल बिल्ड का पूरा प्लेटफॉर्म जो हमने अभी लाइव आप लोगों को समझाया था, उस चीज का हम वीडियोज रिकॉर्डेड करके आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे। आप उस पूरी इंफॉर्मेशन को कंप्लीटली सर्च करके पढ़ के और पूरा का पूरा अपने बच्चों को बता सकते हैं। दूसरी बात, CSE अकेडमी सेंटर चलाने वाले जो VLEs हैं उनको पर एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन करने का ₹20 दिया जाएगा। कहने का मतलब कि आपने अगर दो बच्चों को भी रजिस्टर्ड कर दिया तो ₹20 के हिसाब से आपके अकाउंट में पैसा आएगा, अगर आपने 100 किए तो 100 बच्चों के हिसाब से आ जाएगा, और एक CSE अकेडमी को 500 बच्चों की सीटें अलॉटेड की हुई हैं मिनिमम। अगर कोई ज्यादा संख्या में किसी कॉलेज में, जैसे आज हमने यहाँ वर्कशॉप आप लोगों के साथ की, आप चाहते हो कि भाई मेरे निकट में कोई बड़ा कॉलेज है, 1,000-2,000 बच्चे पढ़ते हैं, कोई पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, कोई ITI का कॉलेज है, क्योंकि उन बच्चों को तो स्किल्ड ठीक सीखनी है, IT से रिलेटेड कोर्स भी सीखना होता है, आप उनके प्रिंसिपल के पास जाओ, अपनी इस स्कीम के बारे में बताओ जो हमने आप लोगों को बताई है, उसके बाद में वहां जो बच्चे इंटरेस्टेड है उन बच्चों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आप इंफॉर्मेशन को अपलोड कर दीजिए। जैसे आप अपलोड करेंगे हर महीने ₹20 के हिसाब से कैलकुलेट होके आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा, आपका TDS कटेगा, ₹19 अकाउंट में आएगा, ₹1 आपका TDS का आपके पैन कार्ड के ऊपर जमा होगा, हर महीने जो आपने काम किया उसके अगले महीने में आपके अकाउंट में पैसा
आ जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोगों को एक तरीके से आपके मैन पावर को रोजगार मिल गया। आपके पास अगर 500 बच्चे भी आ रहे हैं और अगर एक महीने में आपकी फैकल्टी ने मिलकर उन 500 बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर दिया और वो बच्चे पढ़ने लग गए, तो उन बच्चों के लिए तो बहुत खुशी की बात हो गई। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप IBM स्किल बिल्ड के इस सुनहरे अवसर को आप भुनाओ और इसको एक क्रिएटिविटी तरीके से, और साथ में अगला जो प्लेटफॉर्म मैं आपको बताऊं जीवितम के माध्यम से, इस 4 लाख बच्चों को जो हम रजिस्टर्ड कर रहे हैं उनमें से 4000 बच्चों को जॉब प्लेसमेंट दिलाया जाएगा। उनके लिए डिजिटल जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं और रेगुलरली पहले भी हो रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे। इसलिए आप ऐसे बच्चों को जो ITI कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा ITI करने के बाद या तो गवर्नमेंट जॉब में जाता है या प्राइवेट जॉब करता है, तो वहां पर उन लोगों को क्या होगा, हेल्प होगा, आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं। तो ये सेकंड सेगमेंट था हमारा जिसकी जानकारी हम आप लोगों के साथ साझा करना चाह रहे थे कि कैसे एक IBM स्किल बिल्ड का जो प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से हमारा बच्चा इसको पूरी तरीके से लर्निंग कर सकता है। थर्ड जो सेगमेंट है